साथियों, आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं वो ये, अक्सर हम फिल्मों में देखते हैं कि कोई व्यक्ति किसी का खून कर देता है और वह हाथ में चाकू या बंदूक लेकर, जैसा कि आपने रुस्तम मूवी के अंदर भी देखा होगा, वह पुलिस स्टेशन की टेबल पे जाकर रख देता है और कहता है कि मैंने खून किया है, मुझे सजा दे दो। एक आम आदमी क्या सोचता है कि पुलिस तुरंत उसके खिलाफ FIR दर्ज करके चार्जशीट पेश कर देगी और उसके स्टेटमेंट लेगी और कोर्ट में पेश करते ही कोर्ट उसे फांसी की सजा या उम्रकैद दे देगा। तो साथियों, आज हम बताना चाहते हैं आपको पुलिस की कार्रवाई और न्यायिक कार्रवाई में क्या अंतर होता है। अगर ऐसा कोई कर भी देता है कि वह खून करके आता है और पुलिस को हथियार सौंप देता है, तो पुलिस का काम यही नहीं है, पुलिस का काम होता है कि उस बात की सच्चाई तक जाना। कहीं ऐसा तो नहीं है कि घटना किसी और व्यक्ति ने की है और किसी प्रभावशाली व्यक्ति से पैसे का लोभ लेकर या उससे कोई संपत्ति लेकर या व्यक्ति उसका अपराध अपने ऊपर लेकर पुलिस स्टेशन आ गया, तो पुलिस सबसे पहले उस मैटर में इन्वेस्टिगेशन करती है, पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करती है क्या वास्तव में घटना हुई है, और उसके बाद पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही कोर्ट में चालान पेश करती है, फिर कोर्ट में ट्रायल चलती है। इस चीज का कोई मायना नहीं है कि उस व्यक्ति ने पुलिस के सामने अपना जुर्म स्वीकार किया, हो सकता है कोर्ट में जाकर वो अपना बयान बदल भी दे। यही कारण है कि कोर्ट में पुलिस को बड़ी मजबूती के साथ अपनी चार्जशीट फाइल करनी पड़ती है। अब बात करते हैं हम कि जब उस व्यक्ति ने पुलिस के सामने स्टेटमेंट दिया, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, अक्सर जो भी हार्डकोर अपराधी होते हैं या सामान्य अपराधी होते हैं, ये पुलिस के सामने अपने किसी भी जुर्म को स्वीकार कर लेते हैं। यहां तक कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 में इस चीज का स्पष्ट डिफाइन किया गया है कि पुलिस स्टेशन के अंदर दिए गए स्टेटमेंट कभी भी न्यायालय में एडमिट नहीं माने जाते हैं। यानी कि हो सकता है व्यक्ति ने पुलिस ने व्यक्ति को डरा धमका कर, मारपीट करके, उसके ऊपर दबाव देकर उसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिए हो। यही कारण है कि पुलिस में दिए गए स्टेटमेंट कोर्ट में एडमिट नहीं होते, एडमिशेबल नहीं होते और ना ही उनको कोई पुख्ता साक्ष्य माना जाता है। लेकिन वहीं पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 के अंतर्गत यदि पुलिस की मौजूदगी में, अगर मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में, पुलिस के साथ मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में अगर किसी व्यक्ति ने बयान दिए हैं, तो उन्हें कोर्ट एडमिट कर सकती है, क्योंकि ये बयान देने से पूर्व मजिस्ट्रेट द्वारा उस व्यक्ति को पूरी तरीके से ये कहा जाता है कि वह किसी प्रकार के डर, दबाव, धमकी और भय में नहीं है, वह खुलकर बयान दे और उस माहौल में वह व्यक्ति जो बयान देता है उसको सच माना जाता है। यही कारण है कि धारा 26 के अंदर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत, मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयानों को कोर्ट एडमिनिशेबल माना जाता है, लेकिन थाने में दिए गए बयान धारा 25 के अंदर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत कोर्ट में एडमिनिशेबल नहीं माने जाते। यही कारण है कि कोई भी व्यक्ति पुलिस थाने के अंदर कोई भी स्टेटमेंट देके न्यायालय में ऊंची से मुकर भी सकता है और अपने बयानों को बदल भी सकता है, और यही माना जाता है कोर्ट द्वारा कि विक्टिम को या अपराधी को या जो एक्यूज्ड है उसको डरा धमका कर उसके स्टेटमेंट लिए गए। यही कारण है कि कोर्ट में एडमिशन नहीं माना जाता है। तो साथियों, ये जानकारी थी कानून से जुड़ी हुई। ऐसी जानकारियां आप पाते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।